वड़ा पाव बनाने के लिए हमें थोड़ा सा बेसन चाहिए। यहाँ पे मैंने 7 से 8 चम्मच बेसन ले लिया है। जब हम पकौड़े बनाएंगे तो उस पकौड़ों को डिप करने में ये काम करेगा। ये मैंने 7 से 8 आलू ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से हाथ से फोल्ड लिया है मैंने। यहाँ मैंने ग्रीन चिली ले ली है, आपने देखा होगा मार्केट में जब वड़ा पाव के साथ हमें ग्रीन चिलीज दी जाती हैं तो इन्हें भी हमें फ्राई करना है ऑयल में। ये थोड़ा सा कोरिएंडर ले लिया है मैंने, हरे धनिये की चटनी है, हरे धनिये, लहसुन, टमाटर, प्याज, इस चटनी में सब कुछ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये गन पाउडर है, ये मूंगफली भी तल के मैंने हल्की सी डाली है इस गन पाउडर में, और उसको फिर ग्राइंड कर दीजिएगा आप, तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये है मीठी सौंठ, इमली की चटनी मीठी वाली। तो और ये है पाव हमारे, जितने हमें यूज करने हो हम उस हिसाब से इनको बनाएंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसन ले लिया है, इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि ऊपर से ये फीके फीके ना लगे, कोटिंग आए इसमें। और थोड़ी सी हम लाल मिर्च और चुटकी भर के करीबन हम हल्दी डालेंगे, इससे और भी कलर अच्छा आएगा। और इन सबको अच्छे से मिलाकर उसमें पानी बना लेंगे, जैसे हम लोग पकौड़ों के लिए पानी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली होनी चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से हम बना लेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी है, थोड़े पकौड़ों से भी पतली बनाई है मैंने ये। और अगर आप देखें तो आप स्पून पर एक कोटिंग आ रही है बेसन की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली बना है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम आलू की पिट्ठी तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं आलू की पिट्ठी तैयार करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसे सरसों में भी फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो देशी घी में भी, पर यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिफाइंड का यूज करा है 3 से 4 चम्मच बड़े। और अब हमारा तेल गरम हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन राई। राई को थोड़ा चटकने दीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वाद है इसमें। तो राई हमारी चटक गई है ऑलमोस्ट। अब हम इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्चें भी, क्योंकि इसे बहुत, देखिए आप, बहुत सुंदर कलर आएगा। मिर्च भी आप डाल देंगे, लेकिन हम इसे गैस को हम स्लो कर देंगे अपनी, ताकि हमारे मसाले जले ना। और अब हम डालेंगे इसमें आलू। ये भी आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे पर ये कम हो जाएंगे जैसे जैसे बनेंगे, और गैस को हमें स्लो ही रखना है वरना हमारा सब, क्योंकि आलू बहुत जल्दी चिपकते हैं पैन में, हालांकि ये नॉन स्टिक पैन है, उसके बाद भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हम अच्छे से मिला लेंगे इन सबको, और ऊपर से हम डालेंगे इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि जब हमने उसका घोल भी बनाया था इन पकौड़ों का तो थोड़ा सा नमक डाला था उसमें, ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमने आलू फ्राई कर लिए हैं अपने, और इसे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा है क्योंकि बॉइल्ड आलू थे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और बहुत ही बेसिक मसालों से बनाया गया है ये, और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो अभी मैंने गैस बंद कर दी है, ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आइए चलते हैं हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हल्का सा ठंडा हो गया है हमारा ये मसाला, अब हम यहाँ बॉल बना बना के यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो जितने एक वड़ा पाव के संग एक बॉल चाहिए, तो छोटे साइज की जैसी भी चाहिए आपको, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए और बना लीजिए इसको
जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, सेम उस पैटर्न में बना के रख लीजिए। तो वड़ा पाव के अंदर, पाव के अंदर इसे बोलते हैं बेसिकली वड़ा, तो वड़े का प्रोसेस है ये। अब ये देखिए, जैसे आपको छोटी बड़ी जिस भी साइज के आपको चाहिए, आपको जो नीड है, ज्यादा खाने का मन है ये वड़ा, तो आप थोड़ा बड़े बड़े साइज की बना दीजिए। मैं अंदाजे से बना रही हूं, तो ये लड्डू की तरह से, बहुत ज्यादा चिकनी शेप नहीं देनी है इसको, जस्ट रफली बनाकर, क्योंकि हमें डिप करना है इसे बेसन के बैटर में, तो हमें ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है कि बहुत चिकनी शेप की बने, क्योंकि हम लड्डू नहीं बना रहे हैं, इसका वड़ा बना रहे हैं। तो यहां पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और ये बैटर ले लिया है। अभी थोड़ा सा चेक करिए कि गरम हुआ है कि नहीं गरम हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल खौलते तेल में ही बनेंगे, तभी इनमें क्रिस्पीनेस आएगा। तो अभी हम 30 सेकेंड्स और देते हैं तेल को हल्का सा गर्म होने में। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाल के देख रही हूँ बैटर की, देखिए ऊपर आ रहा है, इट मीन्स आपका तेल गर्म हो चुका है काफी। तो इस वड़े को हम इसमें डिप करेंगे, बहुत हल्की कोटिंग लेंगे, यहाँ डाल देंगे ऑयल में, और इसी तरीके से हम दूसरा भी लेंगे। बहुत ज्यादा हैवी कोटिंग नहीं रखनी है हमें इसकी, बहुत केयरफुली करिएगा काम, कि आपको लग रहा है चिपक रहे हैं, पर ये सब अलग अलग हो जाएंगे जब ये बन जाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए, इसी तरह हम सारे डाल देंगे। तो आप देख ही सकते होंगे, ये जो अभी सब चिपक रहे थे, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स के बाद ये सब अलग अलग हो चुके हैं, और अब हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं। और जब तक हम इन्हें रखेंगे ऑयल में, तो कि अच्छे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और अलट पलट करके सेकते रहिएगा, क्योंकि ये बॉल शेप में बने हैं ना, तो थोड़ा इसको अलट पलट करके हमें सेकना पड़ेगा, ताकि ये अच्छी तरह से सब तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, और इस तेल को ना हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसी में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मिर्च को भी फ्राई करेंगे हम, तो ऐसे ही हम इसमें मिर्च डाल के भी फ्राई कर देंगे, जैसे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट कर कर सेकिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर गैस हाई है आपकी तो हार्डली इसे 5 to 6 मिनट्स ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। तो मुझे करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख ही सकते हैं हमारे वड़ा पाव के वड़े का कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और गैस को बंद कर देंगे। तो हमने सारे वड़ा निकाल लिए हैं अपने यहाँ पर, और गैस हमने बंद कर दी है। पर याद रखिए, तेल बहुत गर्म है, तो इसी के साथ, इसी में हम ये जो हमने ग्रीन चिलीज ली थी, इसमें हमने कोई भी चीरा नहीं लगाया, पूरी साबुत साबुत ग्रीन चिली है, यहाँ तक कि हमने इनकी डंडी भी नहीं निकाली है। और हम इसे 5-6 ग्रीन चिलियों को अपने वड़ा पाव के साथ खाने के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्चें हमने फ्राई कर ली हैं, और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा नमक, ताकि इसकी नमक की कोटिंग हो जाए, हल्का सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह कोट कर लेंगे। और अब हम प्लेटिंग करते हैं अपने वड़ा पाव की, क्योंकि सारी चीजें हमारी तैयार हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसको कैसे प्लेट करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाव ले लिए हैं, और इसको पूरी तरीके से नहीं, अलग अलग पीस में करा है, बीच में पीस करा है इसका। ये देखिए, जैसे आपको मार्केट में नजर आते हैं, तो इस बीच में यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले हरे धनिये की चटनी एक साइड, यहाँ पे हम मीठी चटनी,
और थोड़ा सा गन पाउडर, और यहाँ पे हम वड़ा रख देंगे और इसको प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे अपने। तो देखिए मैंने सारे वड़ा पाव लगा लिए हैं अपने पाव के अंदर वड़ा, और यहाँ पे वही हरे धनिया की चटनी और इमली की मीठी चटनी और एक एक मिर्च लगा दूंगी, जस्ट इन केस किसी को मिर्च के साथ खाने हैं तो मिर्च के साथ खा लें, चटनियों के साथ खानी है तो चटनी के साथ खा लीजिए। तो ये देखिए ये मैंने अपनी प्लेटिंग कर दी है अपने प्लेट की। तो आई होप आप लोगों को मेरा वड़ा पाव की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ कोई नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।